हेलो एवरीवन तो लास्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन मिला था करने के लिए है ना ये टेबल मैंने फिल करने के लिए दिया था आपको कि आपको ये टेबल फिल करके बताना था कि इसका क्या आंसर होगा ठीक है आप लोगों ने ट्राई किया था आप लोगों ने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को <coughs> देखो मैं इसको फिल करता हूं ठीक है आप लोगों ने ट्राई किया होगा शायद मैं इसको फिल करता हूं। आप बताना मुझे कि अगर किसी में किसी पार्ट में डाउट हो कि कौन सा वाला पार्ट कैसे हुआ तो बताना मुझे कि किस में डाउट है ठीक है तो पहला रो मैंने फिल कर दिया था कि अगर दोनों फंक्शन ऑड होता है तो एडिशन भी ऑड होता है भी ऑड होता है मल्टीप्लिकेशन आपका इवेंट हो जाएगा डिवीजन इवेंट हो जाएगा और कंपोजिट फंक्शन दोनों टाइप का आपका क्या दे देगा ऑड दे देगा ठीक है अगर दोनों फंक्शन इवन होता है तो एडिशन आपका इवन आता है डिफरेंस भी आपका इवन आता है मल्टीप्लिकेशन भी आपका इवन होगा डिवीजन भी आपका इवन होगा ये सब कुछ आपका इवन होगा ठीक है सेकेंड वाला देखो ठीक है देखो अभी सही आ रहा है हाँ देखो तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आपका इस टाइप का फंक्शन हो तो फर्स्ट वाला सबको समझ में आ गया फर्स्ट में किसी को डाउट है फर्स्ट कॉल अभी देखो सही है क्या अभी सही आ रहा सबका अभी सही है ठीक है तो देखो मैं ये बोल रहा था कि पहला वाला अगर दोनों फंक्शन आपका ऑड ऑड हो, होता है तो कैसे कैसे था ये मैंने लास्ट क्लास में कल किया था इवेंट वाले में देखो अगर दोनों फंक्शन आपका इवेंट होता है तो हर एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब कुछ आपका इसमें इवेन ही होगा ठीक है आप देखना सेकेंड वाला सबका सही है थर्ड वाला अगर फर्स्ट आपका ऑड होता है और दूसरा इवेन होता है तो जब आप एडिशन करोगे तो एडिशन क्या होगा नाइदर ऑड नॉर इवेन देखो सेकेंड वाला भी क्या होगा नाइदर ऑड नॉर इवेन ठीक है थर्ड में सेकेंड वाला भी क्या होगा नाइदर ऑड नॉर इवेन थर्ड में देखो क्या होगा थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ऑड और इवन का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या देगा ऑड देगा डिवीजन क्या देगा आपको डिवीजन भी आपको डिवीजन आपको क्या देगा ये भी आपको ऑड देगा ठीक है एफ ऑफ जी आपको क्या देगा और जी ऑफ एफ क्या देगा आपको देखो अगर आप एफ ऑफ जी कर रहे हो क्या है इवन है ठीक है अंदर में आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करो हमेशा हमें वो क्या निकाल के देगा even ही निकाल के देगा क्लियर है कि नहीं? अगर आपका ये एफ ऑफ जी वाला फंक्शन है देखो अंदर में क्योंकि इवन है तो इसको आप नेगेटिव करोगे तो फिर से ये वही सेम ही चीज दे देगा और ये वाला फंक्शन फिर से आपको क्या मिल जाएगा सेम मिल जाएगा तो ये इवन है चेक करके बताओ थर्ड वाले में फोर्थ वाले में अगर इवेन ऑड होता है तो पहला दोनों तो नाइदर ऑड नॉर इवेन नायदर ऑड नॉर इवेन ठीक है और मल्टीप्लिकेशन में आपको फिर से ऑड ही मिलेगा डिवीजन में भी ऑड ही मिलेगा और अगर एक इवेन और एक ऑड होता है तो चेक करके बताओ तो ये देखो इस टेबल में किसी को कोई डाउट है क्या टेबल मैंने फिल किया टेबल में देखो कि हर एक वाला पार्ट मैंने फिल कर दिया किसी पार्ट में डाउट कि किसको कैसे निकालना है सब लोग क्रॉस चेक कर पा रहे हो कि ये टेबल सही फिल हुआ है कि अगर आपके पास दो इवेंट फंक्शन हो और उसका कंपोजिशन करके वो दे तो आप बता सकते हो कि वो ऑड होगा या इवेंट होगा क्लियर है सबका किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में बताओ जल्दी से किसी को डाउट इस वाले पार्ट में सबका सही है ठीक है चलो सुब्रजीत सही है बाकी और लोगों का सबका सही आ रहा है ठीक है लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए सही है चलो लास्ट क्लास में कुछ चेक करने के लिए आपको दिया था कि कौन सा ऑड है और कौन सा इवेन है ठीक है मुझे बताओ कि फर्स्ट क्या रहा है आपका पहला वाला देखो पहला वाला क्या होगा ऑड होगा पहला वाला ऑड आ रहा सबका सेकेंड वाला भी क्या है ऑड है चेक करके देखो थर्ड वाला भी क्या है ऑड है चेक करके बताना मुझे किसी में डाउट हो तो फोर्थ वाला भी क्या है ऑड है, है। फिफ्थ वाला क्या है हमारे पास ईवन है चेक करके देखो सिक्स भी क्या है ईवन है सेवेंथ क्या होगा हमारा इवन होगा एट्थ क्या होगा एट्थ क्या होगा नाइदर ऑड नॉर इवेन चेक करके बताओ किसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर वन बाकी और किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को देख के बताओ तब तक मैं क्वेश्चन नंबर वन आपको बताता हूं कैसे होगा तो वन में देखो हमें करना क्या है कि वन में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है देखो अगर x के जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑवर वन प्लस एक्स स्क्वायर सबका यही आ रहा है ठीक है अब देखो कि इस वाले पार्ट में अगर आप डायरेक्टली अगर देखने का ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया है ना तो ये नाइदर और नोर इवेंट टाइप का है लेकिन ऐसा नहीं है इस वाले पार्ट को हम अंदर में अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ठीक है यहां पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, मुझे तो मैं इसको क्या करूंगा, करूंगा। आपको है ना टेंथ में आपने किया था, रूट का कहीं भी टर्म आपको दिखे तो आप एक बार रेशनलाइजेशन के बारे में सोच सकते हो देखो रेशनलाइज करोगे ऊपर में तो क्या मिलेगा आपको वन और नीचे में एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर आई होप आपको करना आता है ठीक है और इसको जब ये सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा देखो माइनस टाइम्स प्लस ठीक है है तो सिंपली बस हमें ये नहीं करना है कि वैल्यू पुट किया और आंसर मैच नहीं कर रहा है तो या वो वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम डायरेक्टली आंसर करेंगे ठीक है तो ये चीज याद रखना कि कहीं भी आपको स्क्वायर रूट का टर्म दिखता है और अगर आपको डायरेक्टली आंसर मैच नहीं करना है तो एक बार रेशनलाइजेशन के बारे में सोच के देखो कि रेशनलाइजेशन हम कर सकते हैं ठीक है हो सकता है आंसर आ जाए हो सकता नहीं आ जाए तो यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रही है आपको दिख रहा है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है है ना तो इसलिए ये फंक्शन क्या है हमारा ऑड फंक्शन है क्लियर है सबको फर्स्ट क्लियर हो गया फोर्थ देखो एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस टू टू पावर के एक्स हमें क्या करना है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा प्लस टू टू पावर माइनस के एक्स ठीक है ऊपर में देखो टू टू दावर के एक्स था तो इसको हमें वन बाय टू टू पावर के एक्स भी लिख सकता हूं कि नहीं ऊपर में देखो वन बाय टू टू दावर के एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाई टू टू दावर की एक्स ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो देखो फिर से आपको क्या आ रहा है माइनस टाइम्स वन प्लस टू टू दावर की एक्स सोल्व करना प्रिजा देखो और वन माइनस टू टू दावर की एक्स देखो माइनस टाइम्स बाहर निकल के आ जा रहा है इसलिए ये फंक्शन भी क्या है आपका ऑड फंक्शन है क्लियर है <coughs> क्लियर है सबको ये चीज ठीक है फोर्थ का प्रिजा समझ में आ गया क्या करना है, है ना इस वाले पार्ट को आप सोल्व करना है ना एलसीएम लेके वगैरह जैसे सोल्व करते हो और वहां से सोल्व करोगे तो ये चीज आपका नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव साइन बाहर निकल के आ जाएगा ठीक है थर्ड में देखो सानूर थर्ड में क्या दिक्कत है एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालना है बस ठीक है एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स पुट करोगे तो देखो क्या होगा थर्ड में देखो थर्ड में क्या थर्ड तो आपको सिंपली दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर वन प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस तो क्या होगा देखो रूट ओवर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट ओवर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया तो माइनस टाइम्स बाहर लोगे तो ये फिर से एफ एक्स बन जाएगा सानूर क्लियर है थर्ड समझ में आ गया थर्ड में क्या किया ठीक है एट्थ में सानूर एट्थ में देखो एट्थ में करोगे तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर एट देख लो क्वेश्चन नंबर एट तो सिंपल है बस आप पहले फंक्शन में वैल्यू तो पुट करके देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखा हुआ टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन है ना और यहां से अगर आप माइनस निकालने का ट्राई करोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो माइनस बाहर निकाला तो x cube, x तो देखो ये और ये ये फंक्शन 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 और क्या सेम है ये अलग अलग है इसलिए ये फंक्शन क्या होगा नाइदर और नॉर इवन है ना फंक्शन यहां पे क्या हो गया हमारा चेंज हो गया ठीक है ये वाला फंक्शन क्या होगा हमारा ऑड फंक्शन होगा क्लियर है सामूर समझ में आया है? है ना तो बस वैल्यू पुट करके देखो ठीक है और यह चीज याद रखना कि यही सेम मेथड जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे है ना जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी इस, इसी टाइप के फंक्शन को हमें वहां पे भी यूज करना है ठीक है और पर्टिकुलरली यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है ऑड इवन वाली ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें ताकि आपको आगे तक के लिए समझ में आ जाए कि कभी ऐसा क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट होता है तो आप यह चीज बता पाओ ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव सेम ही तो है प्रिजा देखो क्वेश्चन नंबर फाइव एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स इंटू टू टू पावर एक्स और क्या है टू टू पावर एक्स प्लस वन टू पावर एक्स माइनस वन अभी जस्ट तो किया है टू टू द एक्स x जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री था सेम वही तो है एक्सप में माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या होगा ये माइनस एक्स हो जाएगा और यहां पे टू टू दावर माइनस एक्स प्लस वन टू टू दावर माइनस एक्स माइनस वन ठीक है इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिखूंगा मैं माइनस एक्स और अंदर वाले पार्ट को वन बाई टू टू दावर एक्स प्लस वन वन बाई टू टू दावर एक्स माइनस वन ठीक है अंदर वाले को फिर से आप सॉल्व करना सेम वही मेथड जो अभी यहां पर थ्री वाला किया था ठीक है प्रजा देखना इसको एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करोगे तो यहां से एक सिंबल माइनस निकल के आएगा जैसे इसमें एक माइनस निकल के आया था सेम ऐसा ही एक माइनस निकल के आएगा और एक माइनस बाहर में है तो फिर से यह सेम फंक्शन फिर से आपका जनरेट हो जाएगा ठीक है तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा इवन फंक्शन क्लियर है तो सबको यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे हमें ऑड इवेंट चेक करना है इजी सा पार्ट है कुछ डिफरेंट नहीं है या कुछ नया नहीं है बस मेथड सीखना है आपको कि कैसे हमने इसको क्वेश्चन को ऑड इवेंट चेक करना आता है ठीक है और अगर आप किसी क्वेश्चन में ये चीज पता कर लेते हो कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है है ना तो ऑड इवन से आपको ग्राफ प्लॉट करने में काफी इजी होगा ठीक है अगर आपको ऑड इवन पहले पता चल जाए तो उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है है ना अगर फंक्शन आपका अगर फंक्शन आपका इवन है तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही एग वाई के दूसरी तरफ भी होगा है ना तो यहां तक आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़े हैं ठीक है इसी में एक और टाइप का फंक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं पेरियोडिक फंक्शन ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं पेरियोडिक फंक्शन ठीक है लिख लो नेक्स्ट फंक्शन है पेरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि पीरियोडिक फंक्शन जब आपको डिफाइन करना हो तो पीरियडिक फंक्शन हम किसी किसको बोलेंगे कि जैसे इन जनरल और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझने का ट्राई करो तो कुछ ऐसा फंक्शन होता है, है ना जो फंक्शन अपने आप को बार बार रिपीट करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो क्या होता है अपने आप को रिपीट करने लगता है है ना तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं जैसे आपको अगर कर्व याद हो जो हमने ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व बनाया था देखो फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व कुछ इस टाइप का था याद है आपको देखो मैं फिर से प्लॉट करके आपको याद दिला रहा हूं ये फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व जीरो से वन के बीच में देखो इस टाइप का था वन से टू के बीच में ऐसा था टू से थ्री के बीच में ऐसा था है ना जीरो से माइनस वन से जीरो के बीच में है माइनस टू से जीरो के बीच याद होगा आपको कि ये ऐसा था। अब अगर मैं आपको इस वाले में सिर्फ आप किसी एक पार्ट को ध्यान दो ठीक है जैसे मैं इस वाले पार्ट को कट करके बाहर निकाल देता हूं और इस तरीके से सोचो कि ये जो आपका ब्लैक वाला मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया था ठीक है अगर मैं अगर मैं इस वाले एक्सिस पे मार्किंग नहीं करता ठीक है मार्किंग अगर नहीं करूंगा तो ये कर्व कुछ इस टाइप का होगा समझ में आ रहा है आपको अगर देखो कि अगर मैं इस ब्लैक वाले लाइन को यहां से कट करके यहां पे प्लॉट कर दूं तो क्या आपको पता चलेगा कि ये कर्व इसका ओरिजिन यहां पे था या नहीं था कभी पता चलेगा नहीं चलेगा है ना मैं इसको प्लॉट करके यहां पर प्लॉट कर दू तो भी देखो सेम टाइप का ही कर्व बन रहा है, है ना एक्सिस को कहीं भी आप डाल दो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सेम उसी टाइप का ये कर्व बनते जा रहा है क्योंकि ये कर्व सेम टाइप का आगे भी है पीछे भी है है ना तो कहीं भी प्लॉट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अगर आप जैसे ये वाला हमारे पास एक्सिस था है ना तो एक्सिस अगर आप इस वाले यूनिट को ध्यान दो सिर्फ इस वाले यूनिट को ध्यान दो इस वाले पार्ट को ठीक है देखो सेम टाइप का यूनिट यहां पे भी है सेम टाइप का यूनिट यहां भी है है ना सेम टाइप का यूनिट यहां भी है सेम टाइप का यूनिट यहां भी है है ना तो सेम यही वाला पार्ट जो है और यही कर्व का जो शेप है यही शेप बार बार रिपीट हो रहा है है ना कहां से कहां तक यहां से लेके इंफिनिटी तक माइनस इंफिनिटी तक है कि नहीं दिख रहा है आपको तो इसी को हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक बोलते हैं और अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका कुछ ना कुछ पीरियड होता है है ना पीरियड का मतलब क्या हो गया कि वो कितना इंटरवल है जहां पे वो अपने आप को रिपीट कर रहा है ठीक है तो ये वाला पार्ट देखो ये वाला पार्ट एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है जीरो से वन तक है है ना तो इसका लेंथ कितना है लेंथ इसका वन है है ना तो यही वन यूनिट का लेंथ देखो बार बार रिपीट हो 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 रहा 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 है 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 यहां यहां भी 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 इस 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 तरफ तरफ ना तो फंक्शन का पीरियड कितना है पीरियड इसका वन हो गया क्लियर है तो पीरियोडिक फंक्शन आपको समझ में आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद तो सोचो कि हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये एक्चुअली में पीरियोडिक है या नहीं है ठीक है तो पीरियोडिक है या नहीं है उसका चेक करने का तरीका क्या होता है कि मान लो आप कहीं से भी स्टार्ट करो मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया ठीक है और ये कर्व देखो ये कर्व यहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है ठीक है ये कर्व क्या हुआ यहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। दे, देख रहे आपको है ना और देखो अब हमें एक ऐसा दूसरा पॉइंट खोजना है जो सेम तरीके से बिहेव करे सेम तरीके से बिहेव करे मतलब कि यहां से ये कर्व ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ था है ना? तो हमें ऐसा कर्व का एक और पॉइंट खोजना जहां से का कर रहा हो। ठीक है? तो देखो यहां पे भी ना यहां से भी कर्व ऊपर की तरफ ही जा रहा है यानी ये सारे कर्व एक्चुअली में क्या कर रहा है अपने आपको रिपीट कर रहा है और ये बिहेवियर कितने इंटरवल के बाद स्टार्ट हो गया है फिर से वन यूनिट के बाद फिर से स्टार्ट हो गया है ना तो इसका हम पीरियड कितना बोलते हैं इसका पीरियड हम कितना बोलते हैं वन है ना और इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट जो कर्व होता है वो क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है और पीरियोडिक फंक्शन का फायदा ये होता है कि जितना वैल्यू वो किसी एक पॉइंट पे इस पर्टिकुलर इंटरवल में देगा है ना मान लो यहां पे इसकी वैल्यू कुछ मिलती है सेम वैल्यू यह पे भी देगा है ना सेम वैल्यू ये यहां पे भी देगा है ना तो पीरियोडिक फंक्शन का फायदा ये होता है पढ़ने का कि अगर आपको पता चल जाए कि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है है ना जो वैल्यू वो एक इंटरवल में देगा इस इंटरवल में देगा वैसा ही वैल्यू वो बाकी दूसरे इंटरवल में फिर से रिपीट करने वाला है ठीक है जैसे मैं एक और फंक्शन का आपको एग्जाम्पल दू जैसे साइन का कर्व याद है आपको साइन का कर्व कैसा होता है साइन का कर्व इस टाइप से मूव करता है जीरो से वन के बीच में रहता है ठीक है जीरो से वन के बीच में रहता है ठीक है और साइन के बारे में मैं बाद में आता हूं थोड़ा तो सा उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी ठीक है तो ये प्रियोडिक फंक्शन आपको समझ में आएगा पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद में फिर साइन वाले कर्व को एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा अच्छे से ठीक है तो प्रियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन लिख लो अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड अ फंक्शन पीरियोडिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन

पॉजिटिव नंबर टी ग्रेटर देन जीरो और टी को ही हम क्या बोलते हैं कॉल्ड दी टी क्या होता है टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन है ना तो अ फंक्शन एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट नंबर पॉजिटिव नंबर टी है ना सच दैट positive number t such that f of x plus t equal to f of x and right? f of x plus t is greater than sorry equal to f of x plus t equal to fx for all value of x right? for all value of x in the domain ठीक है तो डोमेन में जो फंक्शन है वही चीज आपको क्या होगी फिर से मिलेगी ठीक है तो जैसे देखो कि मैं इस वाले फंक्शन की बात बोलता हूं यह वाला फंक्शन जो हमारा एफ इंटीजर यह फ्रैक्शनल पार्ट एक्स था ठीक है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है हमारा और फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स इक्वल टू मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखता हूं है ना फ्रैक्शन एफ एक्स को हम क्या लिख रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अब देखो यहां पे अगर आप x की इस वाले पार्ट में हमें एक ऐसा t खोजना है कि अगर हम x को जगह पे x ऑफ t पुट करें तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स ही मिलेगा है कि नहीं क्या मिलेगा एफ एक्स ही मिलेगा क्लियर हो रहा है <coughs> क्या मिलेगा एफ एक्स ही मिलेगा हमें अब देखो अगर मैं आपसे यह बोलू कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 की वैल्यू कितनी होगी तो कितनी बताओगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 की वैल्यू अगर कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या बताओगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस वन की वैल्यू कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो कोई पूछता है तो क्या बताओगे ठीक है क्या बताओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 की वैल्यू कितनी होगी 0.5 पॉइंट फाइव ही होगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्या फ्रैक्शन में ही है है ना ये फ्रैक्शन में ही है 0.5 पॉइंट फाइव प्लस वन है ना 0.5 पॉइंट फाइव प्लस वन मतलब क्या हो गया कि आप ये एक्चुअली में क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है पॉइंट ही है ठीक है जीरो पॉइंट यानी ये जो इंटीजर है ये इंटीजर से क्या हमें हाँ कोई फर्क पड़ रहा है क्या कोई वैल्यू फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है है ना तो ये वैल्यू देखो यही चीज वैल्यू पुट करेगा क्लियर है अब यहां पे सेम फंक्शन के टर्म में देखो यहां पे मैंने बोला था कि अगर मैं टी के जगह पे यहां पे वन पुट कर देता हूं है ना तो वहां पे मेरे पास जो फंक्शन क्या है अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन पुट कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या सेम फंक्शन के इक्वल होगा क्या क्या ये सेम फंक्शन के इक्वल होगा समझ में आ रहा है ये सेम फंक्शन के इक्वल होगा क्योंकि ये वाला वैल्यू तो हमें फ्रैक्शन में ही देने वाला है है कि नहीं तो ये वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही चीज आपको टू के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगा है ना और x इक्वल टू एक्स प्लस हंड्रेड की वैल्यू भी चेक करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही मिलेगा है ना तो हम पीरियड किसको बोलेंगे इसमें वन को बोलेंगे टू को बोलेंगे या हंड्रेड को बोलेंगे तो यहां पे हमें टी जो आपको चूज करना है वो टी सबसे मिनिमम वैल्यू चूज करनी है है ना मिनिमम वैल्यू किस सेंस में उस सेंस में कि मिनिमम वैल्यू पुट करने पे आपको फिर से क्या हो जाए सेम टाइप का फंक्शन मिल जाए ठीक है यहां पे टू पुट करने पे भी हमें एक्स ही मिल रहा है ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही मिल रहा है हंड्रेड पुट करने पर भी यही मिल रहा है लेकिन इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी पॉसिबल थी जहां से ये स्टार्ट हुआ था वन से स्टार्ट हुआ था है ना और ये सब क्या है एक्चुअली में वन का ही मल्टीपल्स है है ना तो पीरियड का मल्टीपल्स है है ना? तो यहां पे हम हाँ इस वाले फंक्शन का पीरियड कितना बोलते हैं है है ना? तो ये क्या फंक्शन तो के लिए टी कितना हो गया वन हो गया है ना तो फ्रैक्शनल पार्ट इज लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट इज है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड वन ठीक है अब साइन पे आते हैं एक्स भी क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि आपको दिख रहा होगा साइनेक्स के कर्व से कि वो भी क्या है एक तरीके से अपने आप को रिपीट कर रहा है, है ना आपको बताया था कि एक्स भी क्या करता है अपने को रिपीट करता है तो रिपीट करने से पहले देख लो मैं यहां पे कुछ वैल्यूज आपको लिख रहा हूं इस सब चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब चीज हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ठीक है तो देखो आपको साइन एक्स की वैल्यू किस तरीके से मूव करती है आपको पता है इस टाइप से मूव कर रहा है है ना और देखो देखो यहां पे जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे हम इस वाला पॉइंट ये वैल्यू कितना होता है जीरो होता है है ना ये वाला वैल्यू कितना होता है पाई होता है अगर आपको याद हो है ना पाई बाई टू पे वैल्यू हमें कितनी मिलती है वन मिलती है ये वन से माइनस वन के बीच में होता है ना तो ये सब एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे ठीक पाई बाई टू इस टाइप से वैल्यू है ठीक two, two, है ठीक? ये कितना है है ना और ये पाई मतलब क्या हो गया पाई बाई टू मतलब कितना हो गया नाइनटी डिग्री वन एट्टी डिग्री आपको यह पता है क्या ये पाई और 180 डिग्री कैसे होता है किसी को पता है किसी को पता है क्या किसी को पता है ये है ना ये माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू है ना माइनस टू पाई ये क्या हो गया माइनस नाइनटी डिग्री माइनस वन एट्टी डिग्री बाकी लोगों को पता है किसी को कुछ लोगों को पता है ठीक है जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं वैसे भी ठीक है तो ये सब वैल्यूज होती है ये सब डिग्री की वैल्यू होते हैं ना डिग्री को हम पाई बाई टू के टर्म्स में भी लिखते हैं ठीक है तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कैसे क्या लिखा जाता है वो हम लोग आगे के चैप्टर में वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं ठीक है तो अभी मैं बस ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने आपको अब देखो अगर आपको ये देखना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है ठीक है आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है एक्चुअली में ये कर्व इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक इस तरीके से बढ़ते जा रहा है ना और है तो बस हमें को रिपीट कर रहा है ठीक है तो कैसे इंटरवल आप कैसे चेक करोगे कैसे क्या होता है तो आप क्या करो मान लो ये हमारा ओरिजिन है ठीक है ओरिजिन से कर्व किस तरफ जा रहा है ओरिजिन से कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है ओरिजिन से कर्व कहां जा रहा है जै, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था चेक करने का तरीका सेम उसी तरीके से हम यहां भी प्रोसीड करेंगे अगर हमें नहीं पता है कि कर्व कैसे हो रहा है ठीक है तो आप बस कर्व पे मूव करते जाओ ठीक है हमने यहां से स्टार्ट किया यहां से कर्व देखो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ है ठीक है हम इसी कर्व पे मूव करते जाएंगे और फिर से जिस पॉइंट पे कर्व का बिहेवियर सेम इसी टाइप से हो इसी टाइप से हो मतलब कि कर्व ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा हो ठीक है वहां पर हम रुक जाएंगे ठीक है तो देखो यहां से आप आगे बढ़ोगे यहां पर भी कर्व ऊपर बढ़ रहा है है ना ये पॉइंट कहां पे है? X पे है है एक्सिस एक्सिस तो हमें X का पॉइंट ही खोजना पड़ेगा ठीक है कहीं और का पॉइंट नहीं खोजेंगे क्योंकि हमने <coughs> क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पे लिया है ठीक है ना तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पे लिया है तो हमें हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट ही खोजना पड़ेगा तो नेक्स्ट एक्स एक्सिस का पॉइंट कहां पर मिल रहा है पाई पे मिल रहा है लेकिन पाई पे देखो बिहेवियर कर्व का किस तरफ है नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ बिहेवियर नहीं है है ना तो ये मेरा पीरियड वाला पॉइंट नहीं हो सकता है ये समझ में आया क्या ये हमारा पीरियड वाला पॉइंट नहीं हो सकता है आगे पहुंचेंगे तो ये देखो फिर से कहां पे पहुंच गए टू पाई पे और टू पाई पे देखो फिर से कर्व इसी के तरफ बिहेव कर रहा है है कि नहीं कर्व किसके तरफ बिहेव कर रहा है सेम इसी पॉइंट के तरफ बिहेव कर रहा है इसका मतलब ये कर्व जो है कितना होता है देखो यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट जो है यही पार्ट बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ठीक है मैंने कैसे चेक किया पता चला आपको मैंने कैसे चेक किया पता चला आपको है ना क्या किया हमने कि हमने एक पॉइंट चूज किया और उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जहां पे हमें सेम बिहेवियर शो कर रहा हो ठीक है तो जिस पॉइंट पे हमें सेम बिहेवियर मिल जाएगा वहां पे हम रुक जाएंगे तो यहां से हमने ऊपर की तरफ लिया था और यहां पे देखो सेम आप यहां पे पहुंच गया तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया क्योंकि हमने पहला पॉइंट ओरिजिन लिया था और ये पॉइंट टू पाई है तो इसका लेंथ पीरियड कितना है टू पाई का है ठीक है मतलब क्या हो गया कि sin x 2 के पे क्या करता है रिपीट करता है बार बार है ना किस तरीके से रिपीट करता है टू पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है, है ना तो साइन एक्स भी क्या है हमारा साइन एक्स भी क्या है साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टू पाई क्लियर है सबको है ना तो ये क्या होगा ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा पीरियड कितना हो जाएगा टू पाई है ना वैसे ही मैं और बाकी सारे कर्व को डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग उसको उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे क्या होगा ठीक है तो बस मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूं आप उसको समझ लो ठीक है तो लिख लो <coughs> यहां पे मैं फंक्शन लिख रहा हूं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जनरली बात करूंगा मैं क्योंकि ये सारे फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं फिर से पीरियोडिक वाला पार्ट आपको रिवाइज करा दूंगा ठीक है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसका पीरियड है हमें कितना लिखना है वो दिखना है ठीक है तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है टू पाई होता है और जो साइन एक्स का पीरियड होता है वही किसका पीरियड होगा कॉशेक एक्स का भी होगा ठीक है तो इन सब के ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके सब कुछ करके मैं आपको नेक्स्ट आगे के चैप्टर में ये सब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा अभी बस आप ये ध्यान में रख लो कि कभी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका पीरियड पूछे तो हम कितना लिखेंगे टू पाई लिखेंगे ठीक है वैसे ही कॉश एक्स और सेक एक्स का भी पीरियड कितना होता है टू पाई होता है है ना तो पीरियड का मतलब बस ये है कि वो अपने आप को उतने इंटरवल के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है ठीक है और वैसे ही टेन एक्स और कॉट एक्स होता है है ना? तो टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड कितना होता है पाई होता है क्लियर है टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड कितना होगा पाई हो जाएगा ठीक है तो ये जो छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका पीरियड आप ध्यान में रखना आगे के चैप्टर में जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा कि इसका पीरियड टू पाई ही होता है या पाई होता है कैसे होता है ठीक है तो वो आपको उस टाइम पे विजुअलाइज हो जाएगा अभी बस क्वेश्चन सॉल्व करने के परपज से आप ये चीज ध्यान रख लो ठीक है अब देखो कि अगर आप जैसे आपको साइनेक्स का फंक्शन है ठीक है इसी में एक और पार्ट में आपको ऐड कर देता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है ठीक है तो यहां पे मैं साइड में ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ठीक है एक्सप्लेनेशन में दे दे रहा हूं यहां पे साइड में देखो आपको साइनेक्स का कर्व कर्व पता है है कैसा होता है? का कर्व इस तरीके से मूव करता है है ना तो ये y इक्वल टू साइनेक्स है अगर मैं y इक्वल टू मॉड साइनेस बनाऊ है ना y इक्वल टू मॉड ले लू तो या, याद है आपको कि ये कर्व कैसा बन जाएगा है ना जो ब्लैक वाला पार्ट था वो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा याद है आपको है ना कर भी हमने प्लॉट किया था और अगर अब कोई आपसे पूछता है कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा तो अब इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा क्लियर है तो साइन एक्स का पीरियड ये होता है मोड साइन एक्स या मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होगा ठीक है मॉड अगर आप ले लोगे तो या और टेन में भी मोड़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है टेन में नहीं मोड़ लेंगे टेन में मोड नहीं लेंगे साइन और कॉस में अगर आप मोड लोगे तो ये कितना बन जाएगा पीरियड इसका पाई बन जाएगा दिख रहा है है और का पीरियड पाई होता है, लेकिन मोड साइन एक्स और मोडक्स का पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा है ना और साइन का ये है तो कौशे और सेक का भी सेम उसी टाइप से होगा ठीक है बाकी का कर्व के लिए हम लोग जब उस कर्व को पढ़ेंगे तो वहां पे मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा और ठीक है तो यहां पे अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं उस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखना ठीक है <coughs> वो लिख लो ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ठीक है फर्स्ट है फर्स्ट पीरियोडिक फंक्शन है अगर आप कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है ठीक है अगर कोई आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू वही होगी जो एफ ऑफ जीरो की होगी और ये वैल्यू वही होगी जो एफ ऑफ माइनस टी की होगी है ना यहां पे टी क्या है वेयर टी इज वेयर टी इज पीरियड ठीक है समझ में आया आपको है ना यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स मान लो किस दिया कि है, है? पीरियड तो पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे जीरो पे निकालोगे और माइनस टी पे निकालोगे तो वैल्यू कितनी होगी आपको सेम वैल्यू मिलेगी है ना तीनों वैल्यू किसके इक्वल होगा सेम होगा ठीक है जैसे आप फ्रैक्शनल पार्ट आपको याद है है ना इसका पीरियड कितना होता है इसका पीरियड वन होता है याद है अगर आपको एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी हो ऑफ निकालना हो या एफ ऑफ जीरो निकालना हो देखो तीनों वैल्यू सेम होगी क्या तीनों वैल्यू सेम होगी क्या तीनों वैल्यू सेम है है ना यहां पे पर्टिकुलरली जीरो की इक्वल आया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जीरो ही होगा लेकिन हम ये तीनों वैल्यू सेम की बात कर रहे हैं क्लियर हो गया सबको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ठीक है क्लियर है सेकेंड पॉइंट इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है एंड इस पॉइंट को आप याद रखना इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है है ना ट्वेल्थ में जब जाओगे तो उसको अच्छे से समझ पाओगे लेकिन बस आप ये अभी याद रखना कि क्योंकि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों इनवर्स क्लियर नहीं होगा लास्ट क्लास में आपको मैंने एक बताया था थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए याद है लास्ट क्लास में ये पॉइंट आपको लिखवाया था मैंने और अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो क्या वो फंक्शन वन वन रहेगा क्या वो फंक्शन वन वन रहेगा सुब्रजीत क्या लिखा है इज इट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका पीरियड वन है ठीक है यहां पे ये बताया मैंने तो देखो f ऑफ वन की वैल्यू निकालो f ऑफ माइनस वन निकालो f ऑफ जीरो निकालो हमेशा वैल्यू आपको कितनी मिलेगी जीरो मिलेंगी ठीक है, है ना तो इनवर्स के केस में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स हम किसी भी फंक्शन का कब निकालते हैं जब वो फंक्शन और ऑन टू होता है लेकिन अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका मेनी वन हो जाएगा है कि नहीं वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका मेनी वन फंक्शन हो जाएगा समझ में आ गया है ना वो फंक्शन आपका मेनी वन हो जाएगा इसलिए आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। है ना तो पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्लियर हो गया समझ में आ गया क्यों बिकॉज लिख लो रीजन लिख लो बिकॉज पीरियोडिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन है ना पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन आर वन वन फंक्शन है ना वन वन एंड ऑन टू ठीक है तो इस रीजन से हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का क्लियर है तो अगर आपको कोई पीरियोडिक फंक्शन निकाल के फंक्शन दे दे और बोले कि इसका इनवर्स निकाल के बताओ तो हम नहीं निकालेंगे क्यों निकालेंगे ठीक है? है ना जैसे एक और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इफ इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड टी एफ एक्स हैज अ पीरियड टी है ना एंड जी एक्स इज ऑल्सो विथ पीरियड टी है ना जीएक्स इज ऑल्सो विथ पीरियड टी एंड जीएक्स हैज ए पीरियड ऑफ टी ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है है ना लिख लो इट डज नॉट मीन इट डज नॉट मीन दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स हैज और मस्ट हैव मस्ट हैव पीरियड टी है ना एफ एक्स एंड जी एक्स मस्ट हैव पीरियड टी मतलब अगर कोई आपका दो फंक्शन है ठीक है और दोनों फंक्शन का पीरियड टी है पीरियड सेम है लेकिन उन दोनों फंक्शन को आप ऐड करोगे है ना तो जरूरी नहीं है कि उसका भी पीरियड क्या हो मस्ट हैव पीरियड ठीक है इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे है ना तो दो फंक्शन का अगर आप ऐड करते हो ठीक है तो उसका हम डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट पीरियड टी नहीं बोल पाएंगे ठीक है वो आपको चेक करके बताना पड़ेगा ठीक है थर्ड पॉइंट ये हो गया फोर्थ पॉइंट लिखो fourth point if fx has if fx has a period t then 1 by fx and root of fx will have सेम पीरियड विल ऑल्सो है पीरियड टी ठीक है तो अगर कोई फंक्शन एफ आप आपको दिया हुआ है तो उस फंक्शन का अगर आप वन बाई एफ एक्स निकालोगे या रूट ले लोगे तो भी उसका फंक्शन उसका पीरियड क्या रहेगा पी ही रहेगा ठीक है और टी ही रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा ठीक है <coughs> और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ एफ एक्स हैज एफ एक्स हैज लिख लो इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड टी इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड टी देन अ पीरियड टी देन एफ ऑफ ए एक्स और देन एफ ऑफ देन एफ ऑफ एक्स प्लस बी विल हैव पीरियड पीरियड टी है ना फंक्शन में अगर एक्स के साथ कुछ शिफ्ट करते हो यह कौन सा शिफ्ट है आपको याद है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है तो अगर आप कर्व में कुछ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करते हो तो उसका पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन आप इसमें अगर आप इसको स्ट्रेच कर देते हो एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा विल हैव पीरियड टी बाई ए ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना इसको हैव पीरियड एफ टी बाई ए है ना ए क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए क्लियर है तो इसका क्या हो जाएगा पीरियड टी हो जाएगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप ध्यान रखना और पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट ठीक है और अगर कोई आपसे ये पूछता है ये बोलता है इसी में इसी को अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं ठीक है इसी को अगर मैं जनरलाइज करके लिखता हूं कि इसका पीरियड कितना होगा का पीरियड कितना होगा इसका पीरियड कितना होगा बता सकते हैं सेम पीरियड होगा ए बाई टी क्योंकि शिफ्ट करने से इस प्लस बी के कारण कोई चेंज नहीं होगा चेंज किसके कारण होगा इस एक्स से मल्टीप्लाई करने के कारण ठीक है अब अगर कोई आपसे यह पूछता है अगर कोई आपसे यह पूछता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि फाइंड दी पीरियड ऑफ है ना फाइंड पीरियड ऑफ फर्स्ट वाला एफ एक्स इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स बताओ कितना होगा पीरियड इसका एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ थ्राइस एक्स बताओ पीरियड कितना होगा बताओ पीरियड कितना होगा इसका एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ टू एक्स बाई थ्री बताओ इसका पीरियड कितना होगा बताओ इन सबका पीरियड कितना होगा बताओ इन सबका पीरियड कितना लिखोगे इन सब का पीरियड लिख के बताओ क्या होगा फर्स्ट का बताओ फर्स्ट का क्या हो जाएगा सुब्रजीत पाई बाई टू क्यों फर्स्ट का साइन का पीरियड कितना होता है पहले आपको साइन का पीरियड देखना पड़ेगा पहले आपको साइन का पीरियड देखना पड़ेगा साइन का पीरियड कितना होता है तो साइन का पीरियड कितना बताओगे पाई सही है फर्स्ट का कितना होगा फर्स्ट का पाई हो जाएगा सेकेंड का बताओ क्या होगा सेकेंड का बताओ क्या लिखोगे सबको समझ में आ रहा है क्या किया सबको समझ में आ रहा है कि क्या किया ठीक है इसका पीरियड बताओ क्लियर है सबको बताओ नेक्स्ट का पीरियड कितना होगा है ना टू पाई बाई थ्री सही है सही है बाकी लोगों का सबको समझ में आ रहा है कि क्या किया ठीक है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा सेकंड का टू पाई बाई थ्री और इसका कितना हो जाएगा टू पाई बाई टू बाई थ्री तो ये कितना दे देगा आपको थ्री पाई क्लियर है देखो सॉल्व किया हुआ है समझ में आया सबको कि कैसे मैंने क्रिएट किया है ना तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन का इस टाइप से आप पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया कि पीरियोडिक फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस वाले पार्ट में हमें क्या करना होता है ठीक है बाकी पीरियडिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन के टर्म्स में है ना क्वेश्चन जब आएगा तो उस वाले पार्ट में जब डिस्कशन करोगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको है ना तो उस वाले पार्ट में हम उसको डिस्कशन करेंगे ठीक है अब हम आते हैं अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट में अब पीरियोडिक फंक्शन अगर आपको डिफाइन हो गया है ठीक है तो बाकी क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है अब देखो क्या होता है कि कभी कभी आपको कुछ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करके दे देता है ठीक है तो यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रहा हूं ठीक है इस पॉइंट्स को बस आप अलग से नोट कर लेना है ना जनरल फंक्शन जनरल फंक्शन ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो कुछ ऐसे फंक्शंस दे देते हैं है ना जहां पे वो x और y दोनों में रिलेशन करके देगा ठीक है x और y दोनों में रिलेशन करके देता है और उसके बेसिस पे वो कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता है हमें है ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा जैसे इस वाले पार्ट को मैं एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व कर रहा हूं ठीक है जैसे एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा इफ 2 टाइम्स fx 3 टाइम्स एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हमें दिया हुआ है ठीक है और हमसे इसने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू ठीक है तो एफ ऑफ टू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ठीक है तो यहां पे देखो हमें इसने फंक्शन नहीं दिया है क्लियर है कि नहीं यहां पे उसने सिर्फ क्या बोल दिया कि एफ एक्स के बीच में ये इस टाइप का रिलेशन है ठीक है तो हमें ये बताना है कि वैल्यू तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमें एफ एक्स फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन नहीं है और यहां पर क्योंकि एक ही फंक्शन है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे हमें वैल्यू दिया हुआ है ठीक है तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम किसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएं कि एक्चुअली में फंक्शन है क्या है ना एक बार अगर हमें X का कोई एक मिल तो हम X की कर, के कर लेंगे क्वेश्चन तो तो में हमें करना क्या होता है एक्स या फंक्शन एफेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा उस चीज पे एक बार ध्यान दो यहां पे तो अगर आपके पास ये एक चीज दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करो इसी फंक्शन को फिर से लिख लो ठीक है और आप यहां पे ध्यान दोगे कि इसने बोला कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स है ना ये सारे एक्स के लिए ट्रू है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना तो एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा आप कुछ भी पुट करो ये स्टेटमेंट क्या है ऑलवेज ट्रू है है ना तो क्योंकि ये स्टेटमेंट सारे एक्स के लिए ट्रू है तो मैं यहां पे एक्स की जगह पे वन बाय एक्स भी पुट कर सकता हूं है ना क्यों मुझे वन बाय दिखा इसलिए दिखा क्योंकि यहां पे एफ एक्स दिया हुआ था और यहां पे वन बाय दिया हुआ था ठीक है तो मैं बस इसके प्लेस को आपस में इंटरचेंज करना चाह रहा हूं तो मैं अब क्या पुट करूंगा नेक्स्ट वाले में एक्स की जगह पे वन बाय पुट करूंगा तो देखो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा एक्स की जगह पे वन पुट किया माइनस थ्री टाइम्स एफ एक्स हो गया और राइट हैंड साइड में क्या हो गया वन बाय एक्स हो गया ये हमारा इक्वेशन वन हो गया ये हमारा इक्वेशन टू हो गया क्लियर है देखो मैंने किस तरीके से एक ही इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन क्रिएट किया ठीक है और अब देखो अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो अगर मैं इस इस वाले को देखो एक वेरिएबल मान लेता हूं इसको दूसरा वेरिएबल मान लेता हूं ठीक है तो देखो दो वेरिएबल दो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व करके हम एफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं हमें क्या करना है बस एलिमिनेट करना है किसको एफ ऑफ वन बाई एक्स को एलिमिनेट करना है तो एफ ऑफ वन बायस एलिमेंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा मैं फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो टू से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा फोर टाइम्स एफ एक्स माइनस नाइन टाइम्स एफ एक्स देख रहे आपको इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर सॉरी एड किया मैंने है ना एड करोगे तो हां ये माइनस हो जाएगा ठीक है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर क्लियर है और देखो यहां से दोनों फंक्शन को ये क्योंकि नेगेटिव था तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया स्क्वायर वैल्यू हमारे पास से आ गई माइनस वन बाई फाइव टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर क्लियर है और अब हमें अगर एफ एक्स मिल चुका है तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है एफ ऑफ टू कैलकुलेट करना है तो बस आप इस वाले में की पे करो, की पे करो, दिया हुआ था वहां से मैंने दूसरा फंक्शन निकालने का ट्राई किया है ना और कैसे किया ये समझ में आ रहा है, है ना तो ये मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअली में एक ही फंक्शन दिया हुआ था है ना? और उस फंक्शन के बारे में हमें उसने बोला भी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फंक्शन है जो ये रिलेशन है।, है तो उसके लिए ये एक है हमारे पास कि इस के आप क्या कर सकते हो फंक्शन को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो क्लियर है इसी में मैं कुछ और टाइप के फंक्शन लिख दे रहा हूं जहां पर वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ठीक है जहां पर वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जिसके बेसिस पे आप फंक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो ठीक है जैसे यहां पे इस वाले फंक्शन में हमारे पास फंक्शन के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ था है कि नहीं तो इस रिलेशन के बेसिस पे हमने ये चीज डेवलप किया ठीक है वैसे ही अगर आपके पास कुछ और टाइप का फंक्शन हो तो मैं बस वो फंक्शन लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से क्लियर होगा ठीक है तो इसको आप लिख लो कि अगर आपके पास एफ जो है एफ एक्स आपका अगर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ठीक है अगर कोई एक ऐसा फंक्शन दे दे और पूछे कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा तो क्या आप सोच सकते हो क्या कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा ये किस टाइप का फंक्शन होगा सोच सकते हो कि एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन होगा जो आपका ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा ठीक है तो आप इस अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है तो आपको सोचना यह है कि फंक्शन जो है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ठीक है तो इससे फायदा क्या होता है कि इससे फायदा होता है कि हमें इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं करना पड़ता है ठीक है आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करके दो लाइन में आंसर आप उसका निकाल पाओगे क्लियर है कि नहीं समझ में आया तो उसको आप डायरेक्टली वहां से सॉल्व करके आप वैल्यूज कैलकुलेट कर पाओगे ठीक है तो देखो अगर आपका कोई एक फंक्शन इस टाइप का हो फर्स्ट वाले टाइप का है ना यहां पे मैंने तीन चार फंक्शन लिख दिया है अब देखो अगर कोई हमें ये फंक्शन दे देता है पहला वाला ठीक है तो इस पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन हो सकता है इस पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन हो सकता है सो सकते हो क्या है ना तो यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन एक्स के अंदर में मल्टीप्लिकेशन पुट करोगे तो वो किस में जा रहा है एडिशन में जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में हम किस वाले फंक्शन में जाते हैं लॉग वाले फंक्शन में याद है तो यहां पे आप एफ एक्स क्या एज्यूम कर सकते हो एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एक कांस्टेंट आप ले लो और यहां पे आप एल एन एक्स ले सकते हो क्लियर है यहां पे आप क्या लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू ये वाला फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हो ठीक है और एक फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल है क्लियर है अगर आप एफ एक्स इक्वल टू जीरो ले लोगे तो भी ये पॉसिबल है एफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स लोगे तो भी ये पॉसिबल है है कि नहीं तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या, क्या किया हमने क्या किया हमने समझ में आया क्या है ना क्या किया हमने समझ में आया आपको तो कैसे मैंने फंक्शन प्रिडिक्ट किया समझ में गया है? है ना क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा अगर किसी फंक्शन में आप प्रिडिक्स नहीं कर पाओगे है ना किसी फंक्शन फंक्शन में अगर आप नहीं कर पाते हो कि वो क्या है तो उसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा ठीक है क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको वहीं पे उसको सॉल्व करके मैं उसका मेथड आपको बता दूंगा ठीक है तो ये एफ ऑफ एक्स वाईक टू एफ एक्स इन टू एफ एक्स ये प्लस वाला हो तो हमें क्या लेना है समझ में आ गया दूसरा अगर एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन में ही कब रह जाता है एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मेट का याद है यहां पे मैं जनरलाइज फॉर्मेट में लिख रहा हूं एन बिलोंग टू रियल नंबर कुछ भी आप ले लोगे तो ऐसा फंक्शन आपका पॉसिबल है ठीक है थर्ड वाला एडिशन आपका मल्टीप्लिकेशन में कब जाता है एक्सपोनेंशियल टाइप का याद है किस टाइप का जाता है एक्सपोनेंशियल टाइप का तो ए टू दावर के एक्स टाइप का आप कंसिडर कर सकते हो और एडिशन आपका एडिशन में कब जाता है एडिशन आपका एडिशन में कब जाता है जब आपका फंक्शन लीनियर टाइप से हो तो इसको आप के एक्स टाइप से एजूम कर सकते हो ठीक है तो ये कुछ चार पांच फंक्शन है इस वाले फंक्शन को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है ना इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसमें क्या होता है कि फंक्शन में आपको डिफाइन नहीं किया होता है कि ये फंक्शन कौन सा है ठीक है उस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज दी होती है तो यहां पे देखो फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज है ठीक है ये क्या है ये सारा प्रॉपर्टीज है तो इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको एफेक्ट सोचना है कि कौन सा हो सकता है ठीक है तो ये कुछ तीन चार फंक्शन होते हैं जिसके लिए यही फिक्स फंक्शन पॉसिबल होता है ठीक है तो ये फंक्शन तो ठीक है कोई बात नहीं ये फंक्शन हमें पता है कि ये फंक्शन होगा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन कभी कभी आपको ऐसा फंक्शन भी होगा जिसमें इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी ठीक है तो अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने प्रॉपर्टी क्या डिफाइन किया है तो जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पे पे उसको डिटेल में उसी पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि उस वाले फंक्शन में हमें FX कैसे फाइंड करना है लेकिन इस टाइप का कुछ फंक्शन होता है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये हमारा फंक्शन है और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं है ना तो एक बार आपको फंक्शन मिल गया तो बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो ये यहां तक आने के बाद आपका फंक्शन वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना कंप्लीटली कंप्लीट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज हमें सीखना बाकी है है ना लेकिन सब कुछ हम लोग थ्योरी में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमें क्वेश्चन के थ्रू उस चीज को समझना है ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पर्टिकुलरली थ्योरी उसका क्वेश्चन से ही निकल के आता है ठीक है तो वो सब क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से करोगे आपको क्वेश्चन इसके बाद मिल जाएगा ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको वहां पर लेंगे क्लियर है 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 ना तो नेक्स्ट क्लास में अभी आप ये सेट्स वाला पार्ट जो चैप्टर के हिसाब से ठीक है तो चैप्टर टू आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है ठीक है क्योंकि उसका टेस्ट सैटरडे को हो होगा मोस्ट प्रोबेबली ठीक है तो चैप्टर टू आपका एनसीआरटी के हिसाब से अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए उसके बाद चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे फंक्शन वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया बाकी सारा जो पार्ट बचा हुआ वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे एक आपको जेई वाला सीट मिल जाएगा ठीक है तो उस जेई वाले सीट के क्वेश्चन आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन वाला जो अपना टारगेट है ना,

कल का टाइम मैं दे रहा हूं ठीक है कि आप लोग कल बस रिवीजन करो है ना कल कल हम लोग क्लास नहीं करेंगे ठीक है क्लास हम लोग फिर परसों से रखेंगे तो एक दिन का टाइम है आपके आपके पास कि आपके पास कि फंक्शन में या सेट्स में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो और रिवीजन के बाद आपको जेई वाला जो शीट है उस शीट के क्वेश्चन आप ट्राई करना स्टार्ट कर दो है ना तो वो स्टार्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन वगैरह का आइडिया मिलता जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है हमारा प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो चुका है जो स्टार्टिंग में मिला था चैप्टर टू कंप्लीट हो चुका है अब इस चैप्टर का जेई वाला शीट आपको मिल जाएगा तो उस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं परसों फिर नए चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के साथ ठीक है तब तक आप लोग ये लोग ये ये सारा पार्ट आप लोग रिविजन करो ठीक है कल हम लोग क्लास नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास आपका परसों से होगा ठीक है तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे आगे के लिए ओके चलो बाय